आपकी मन पसंद चॉकलेट चको मको। थैंक यू सो मच जेठा जी। यू नो अय्यर, आज मैं सुबह इनके घर में टैबलेट के लिए बात करने गई थी, तो वहां पे चोको मोको रखी थी, और जैसे इनको ये पता चला कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बस वो गिफ्ट लेके आ गए। वो जीवन कह रहा था कि रास्ते में एक अनाथ आश्रम है, उसकी छत पुरानी हो गई है तो बच्चों पे पानी गिरता है, तो हम सब लोग मिलके वो छत की रिपेयरिंग का खर्चा देने वाले। तो 10,000 क्यों बाबू जी, 15,000 दे दीजिए। मैं काम करता हूँ बाबू जी, मैं ATM से निकाल के लेके आता हूँ। अरे भाई अभी जाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, कल सुबह 7 बजे मेरे साथ आना और ATM से पैसे निकाल के मुझे दे दे। बाबू जी सुबह सुबह मजा आएगा, अच्छा आइडिया है। क्या करूं, बबीता जी को फोन करके पूछूं चॉकलेट कैसी लगी? नहीं नहीं सो गए होंगे, तो सुबह ही पूछता हूं। अरे टेपू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आप बबीता जी को फोन करके पूछे तो सही उन्होंने चॉकलेट खाई कि नहीं और कैसी लगी। अरे दया, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं अभी सोच ही रहा था कि बबीता जी को फोन करूं कि क्या करूं, फिर सोचा रात हो गई है, कल सुबह करता हूं। नहीं नहीं फोन कीजिए, वो जाग रहे होंगे, है ना? हाँ बस। तो हाय जेठा जी, कैसे लगी चको मको? हाँ चॉकलेट, चॉकलेट कैसे लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना चॉकलेट? जी जी ऐसी है, खा के मजा आ जाता है। सुना दया क्या कह रही है बबीता जी? हाँ हाँ बबीता जी, मैं काम करता हूँ, मैं कल आपके लिए एक और चको मको का बॉक्स लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं बबीता जी, आपको अच्छी लगती है ना चको मको, तो खाओ ऐश करो। जीठा जी, अगर मैं इतनी चॉकलेट खाऊंगी तो मैं हाथी भाई जैसे हो जाऊंगी। अरे क्या बोल रहे बबीता जी, शुभ शुभ बोलिए। ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन जब भी आपको चको मको खाने का मन हो आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। हाँ गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अच्छी लगी उनको चको मको। मेरी वो हमेशा कहती है, जब भी किसी को गिफ्ट दो ना, सिर्फ देने के लिए मत दो, उसको पसंद आए ऐसी गिफ्ट दो। और मेरे बापूजी भी हमेशा कहते हैं कि बेटा जब भी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को जल्दी सो जाने का, ज्यादा बातें नहीं करने की। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी ये लीजिए, इसमें थेपला और छुंदा है। चल भाई चाय पी ली कि नहीं? बस हो गया, हो गया बाबूजी। चलिए चलो बाबू, चलता हूँ। टप्पू से कहना कि कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। जी बाबूजी, हम सबकी तरफ से भी दर्शन करना। हाँ बाबूजी, आपने छाता लिया? हाँ ये रहा। हाँ चलिए चलो चलो। अरे वो आपने छाता लिया? अरे हाँ नहीं नहीं दे दे। हाँ मैं नीचे उतरता हूँ। हाँ मैं गीजर चालू कर दूं? क्यों? आप आएंगे तब तक नहाने के लिए पानी गर्म हो जाएगा ना। किसको नहाना है? मुझे वापस आके सोना है। तू ना बापूजी। हाँ एक मिनट इधर आए। हैं एक मिनट इधर आए। क्या हुआ? ये इसमें 15,000 अनाथ आश्रम के लिए है। हाँ और ये 5,000 आपके लिए। हाँ 5 में हो जाएगा कि और दूँ? अरे ये भी ज्यादा है, चल चलता हूँ। हाँ संभाल के जाना बाबूजी। हाँ और तू भी संभाल के जाना। मैं तो घर ही जा रहा हूँ। अरे पता है मुझे, लेकिन आज जल्दी उठा है ना, तो रास्ते में चलते चलते कहीं सो मत जाना, क्योंकि इस वक्त रास्ते में कुत्ते भी सोए होते हैं, जैसे कुत्ते पे तेरा पैर वैर पड़ गया तो उपाधि हो जाएगी। नहीं नहीं बापू जी, मैं
ऐसे झकते झकते ही जाऊंगा। चल चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो भाई। ओके बाबूजी। हा हा हा, बरसात के मौसम में सुबह सुबह क्या माहौल बन जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। ये खुशबू बदबू में क्यों बदल गई? ओह अच्छा, कचरे की बदबू है। थैली कहीं देखी हुई लग रही है। सेम टू सेम वही थैली है जिसमें मैंने चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स रख के दिया था बबीता जी को। चोको मोको चॉकलेट बबीता जी की फेवरेट। थैली में से कौन झांक रहा है? चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स तो नहीं? अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? अय्यर भाई के जीव को भी शांति नहीं है। कल रात को अय्यर भाई भी ऐसी थैली लेके कहीं जा रहे थे। चॉकलेट का वही बॉक्स, वही थैली, वही बॉक्स, पेटी पैक कचरे में। चॉकलेट चॉकलेट कैसी लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी।
बबीता जी, आपने मुझसे झूठ बोला। चॉकलेट नहीं खाई फिर भी बोला खाई, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया बबीता जी? क्या करूं? बबीता जी को जाकर सीधा पूछूं, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं बबीता जी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बताऊं? मेहता साहब, व्हाट अ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, आज सुबह ही सुबह। मेहता साहब, अभी अब्दुल की दुकान के पास आ जाइए। अब्दुल की दुकान के पास? अरे भाई, इतनी सुबह मुझे सोडा नहीं पीना है जेठालाल। सोडा पीने नहीं बुला रहा हूँ, जल्दी आइए। अरे जेठालाल, अभी तो मैं उठा ही हूँ और मैंने चाय भी नहीं पी है। आपका दोस्त यहाँ मुसीबत में और आपको चाय की पड़ी है? अरे क्या हो गया जेठालाल, बोलो तो सही। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, अब्दुल की बंद दुकान के बाहर बैठ के गप्पे मार रहे, थोड़ी बुला रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ जल्दी। अंजलि, मैं एक वॉक लेके आता हूँ। जेठा भाई, सलाम वालेकुम। अरे ये क्या, छाता होते हुए भी आप भीग गए? मौसम का मजा ले रहे हो? कोई टेंशन? तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई, ना काम करना। तू दुकान खोलू? खोलना भाई। जेठा भाई, अगर आप साइड हो जाएंगे तो मैं दुकान खोल पाऊंगा ना? क्या हुआ? हाँ, मैं तो सर आगे चलिए। कहाँ चलिए? तो सही बेटा भाई, बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भाई, तो काम करना अपना। हाँ आइए। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो, बताओ तो सही। अरे यहाँ से तो चलिए। अरे पर... जेठालाल बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बता रहा हूँ, शांति रखो। टैक्सी। अरे टैक्सी क्यों, हॉस्पिटल जाना, कोई बीमार है? हाँ। कौन? मेरा दिल। कोई ब्लॉकेज है जेठालाल? कौन है? मतलब हृदय की धमनियों के भीतर रक्त की आवाजाही में कोई रुकावट है? अरे आप टैक्सी में बैठा ना भाई, आ जाओ आइए। चलो भाई। कहाँ चलना है साहब? जहाँ दिल को ठंडक मिले ऐसी जगह ले चल भाई। आइस फैक्ट्री ले जाओ। ए दोड़ा, गाड़ी चालू कर और सीधा ले, बताता हूँ कहाँ जाना है। अरे भाई, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कोई और दूसरा गाना नहीं है? हाँ है, ठीक। तुमने क्या, तुम्हारी टैक्सी में बैठने वालों को रुलाने का कोई व्रत ले रखा है? ओ भाई, अपने फरमाइशी दर्द भरे नगमे बंद करो ना भाई। हाँ हाँ, एक मिनट आप बंद करो। हाँ। जेठालाल, क्या हुआ, क्या है आखिर? मेहता साहब, जान जल रही है, दिल दुखी हो गया है, दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो गई है। ओहो, गालिब भाई गड़ा, सीधे सीधे समझाएंगे क्या आखिर हुआ क्या? कल बबीता जी के लिए मैं चको मको चॉकलेट का डिब्बा लेके आया। क्या? क्यों अचानक? अरे भाई, वो सुंदर कल चको मको का डिब्बा घर पे लेके आया था टप्पू और टप्पू सेना के लिए, तो बच्चों ने चॉकलेट खाई, मैंने खाई, देवे ने खाई, बापू जी ने खाई, सबने खाई। उसके बाद बबीता जी आए तो उन्होंने वो डिब्बा देखा, बोला अरे चको मको चॉकलेट तो मेरी एकदम फेवरेट है, क्या मुझे एक मिल सकती है खाने के लिए? तब तक चॉकलेट खत्म हो चुकी थी। मैंने कितनी मगजमारी करके, कितनी जगह पे वो चॉकलेट ढूंढवा के, कितने लोगों से बचा के वो चको मको का डिब्बा उनके घर पे पहुंचाया। अरे तो जेठालाल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वही डिब्बा
मैंने अभी कचरे में पड़ा हुआ पाया। चेता लाल, जो डिब्बा तुमने कचरे में देखा जरूरी है कि वही डिब्बा था जो तुमने दिया? अरे कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, मैं तो सब वही थैली, जिस थैली में मैंने वो चको मको का डिब्बा रख के दिया था, थैली भी वही और उसके अंदर चको मको चॉकलेट का डिब्बा भी वही पेटी पैक। अच्छा तो, और पता है कल रात को मैंने उनको फोन करके पूछा था, बबीता जी आपको चॉकलेट कैसी लगी? तो पता है उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब बताओ जब उन्होंने चॉकलेट खाई ही नहीं तो ठीक कैसे लगी? मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उनको नहीं पसंद थी तो किसी और को दे देती, कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें जेठालाल के बबीता जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों करेंगे ऐसा, क्यों फेंकेंगे कचरे में? हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारी तरफ से भी अभी उनसे रिश्ता कट 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 कट। अय्यर और बबीता से रिश्ता कट? भाई ये क्या कह दिया जेठालाल ने, मेरे कानों को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल अजूबे वाली बात हो गई। भाई वो बबीता जी जिन्हें देख के जेठालाल फूल की तरह खिल जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने रिश्ता तोड़ने का सोच लिया? भाई ये तो कुछ अनहोनी सी लग रही है। लेकिन कहा तो है जेठालाल ने, और क्या होगा इसके आगे? रिश्ता तोड़ने का ऐलान तो कर दिया जेठालाल ने, अब क्या होता है? आप जानते हैं कि बहुत सारे हंगामे छिपे हुए हैं इस ऐलान के पीछे, लेकिन वो हंगामे कब होंगे उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस रविवार की रात ठीक 8 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। जी हाँ, भूलिएगा मत, रविवार की रात ठीक 8 बजे आपको पता चल जाएगा कि रिश्ता तोड़ने के ऐलान के बाद क्या क्या होता है। उस दिन एक खास सेलिब्रेशन, और उस दिन हम सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए एक आनंद का सफर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, एक ऐसा सफर जिसे देख के आप सिर्फ विस्मित नहीं होंगे बेहद खुश भी होंगे। तो देखना मत भूलिएगा, हमेशा देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए।